तो व्हाट्सअप गाइस फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सन फार्मा के बारे में। तो दोस्तों ये बेसिकली फार्मा सेक्टर में काम करता है और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हो करीबन 3.5 यानी 4% की गिरावट यहाँ पर शो हो रहा है। 27 मई को इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम ग्रुप नीचे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हो मैं जो इंट्राडे में बाय करता हूँ सेल करता हूँ आपको वो मिल जाएगा। 5 डे की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ पर 700 से लेकर अभी 672 में ट्रेड हो रहा है शेयर। और 1 मंथ में देखोगे तो यहाँ पर 4% की तेज़ी, 6 मंथ में देखोगे 24% की तेज़ी, 1 ईयर में 12% की, 5 ईयर में देखोगे नेगेटिव रिटर्न 8% की, और मैक्सिमम देखोगे तो ये शेयर 30,000 की करीब रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ पर मार्कर ले आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 47% की कंपनी रिटर्न दे चुका है। एक मल्टीवेगर कंपनी है, 1999 में आया था, ठीक है, और 2.27 रुपया करके शेयर का प्राइस था और 1000 से भी ज़्यादा एक टाइम में गया था। उसके बाद यहाँ पर अभी इस लेवल में ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों इसका जो टारगेट लेवल आया है 800 से ज़्यादा टारगेट लेवल आया है। तो सारे चीज़ बात करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय क्वांटिटी दिखा रहा है ज़्यादा और मिलियंस में वॉल्यूम है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे 48% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो 55,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया था 31 दिसंबर में 2020 में, और 31 मार्च 2021 में 32,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, यानी लॉस में कंपनी है। फिर भी कंपनी 5.50 रुपया करके 9 फरवरी 2021 को डिविडेंड दिया था। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो अनाउंसमेंट हुआ था 27 मई 2021 को फाइनेंशियल रिजल्ट भी आएगा और डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगा, तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो करीबन 8.5% की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पर गिरवी रखे हैं, तो ज़्यादा नहीं है चलेगा, ठीक है, ज़्यादा होता तो प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 6,670 बता रहा है, लेकिन उसी के आसपास है। और हाई लगाया था 722 रुपया और लो लगाया था 452 रुपया। उसके बाद सेक्टर पी 55 है और बुक वैल्यू यहाँ पर 194 रुपया है। डिविडेंड कंपनी 0.82 प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आप देख सकते हो ROE देख सकते हो 14% है और रिटर्न पर इक्विटी यहाँ पर 6.33 है, फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपीज़ है। उसके अलावा अगर हम नीचे जाएंगे, ये शेयर नीचे से ऊपर गया है बहुत ही तेज़ी से। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फार्मास्यूटिकल और ड्रग में काम करता है और नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर का। उसके बाद DR Reddy आता है, सिप्ला आता है उसके बाद, और कैडिला हेल्थ आता है 4 नंबर पर, नंबर 1 कंपनी है। अगर हम सेल्स देखेंगे, सेल्स भी यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1852 करोड़ से 894, यानी कंपनी में थोड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का अगर हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे 3,700 से 2,900 करोड़, यानी कंपनी अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है। बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर कैपिटल आप देख सकते हो 240 है, रिजर्व कंपनी के पास 46,000 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है, 8,000 पहले था, अभी 3,343 कर दिया है, यानी कर्जा ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के लिए कंपनी कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर हम नीचे जाएंगे किसके पास कितना होल्डिंग है अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 55% है, 54.48 है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 12% है, डोमेस्टिक वालों के पास 21 है और पब्लिक के पास दोस्तों 12% है। और दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद ये शेयर इस तरीके से तेज़ी जान पकड़ने के लिए अभी थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे टारगेट, तो यहाँ पर देख सकते हो सन फार्मा का जो टारगेट है मोतीलाल ओसवाल दिए हैं 830 रुपया टारगेट इसका मिल गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे, ये देखिए नीचे जाएंगे रिजल्ट तो बहुत ही टारगेट 830 सन फार्मा का, और अभी जो बाय करने के लिए सब लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल आपको नीचे मिलेगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं जो बाय सेल करता हूँ आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।